नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर लोनारी, अन्ना टायर सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों एक जो वीडियो देख सकते हैं, बुलेट यार थोड़ा वीडियो क्लियर करें हम। यानी ये जो कंपनी देती है ना, जैसे अपने नॉर्मल बाइक में चीड़ी आती है, ऐसा टाइट करते चेन पीछे आ जाती है, तो ये बुलेट में क्या होता है, कंपनी एक ये लॉक जैसा दिया हुआ है। जैसे आप ऊपर नट जैसे ढीला कर दे, उसको टायर से पीछे दबाते ये लॉक, वैसे आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं चेन की। तो चेन की सेटिंग इसके ऊपर होती है। आपने जैसा इसको नीचे कर दिया तो चेन ढीली होगी, हाँ, और उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा ऊपर कर दिया तो आपको नट ढीला करके इसको भी ढीला करना पड़ता है, तब चेन टाइट होती है। और दोस्तों पीछे का जो पहिया निकालते हैं ना, तो आप कैसे निकाले ये जो बोल्ट है, तो तुरंत खुल जाता। चाहे आप जो बाइक मालिक हो ना, वो सोचता है क्योंकि ये कोई छोटी आम बाइक नहीं है, ये तो हाथी है, ये हाथी है, तो इसको चलाने वाला भी कोई मामूली बंदा नहीं होता है। तो आप घर पे भी कोशिश कर सकते हैं, इसको तो पंचर चला नहीं सकते क्योंकि इसमें ट्यूब खराब हो सकता है, टायर खराब हो सकता है। तो आप क्या करें, बिल्कुल इजीली आप पाना दीजिए, कंपनी आपके साथ पाना देती है, आपको इसमें 24 का कुछ पाना लगेगा। तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल ये बोल्ट खोल लेना, इसमें देख सकते इसमें सेटिंग है इस साइज पे। जब भी खोल लेंगे तो इस साइड की सेटिंग देख लेने का, और फिटिंग करते समय वो पॉइंट वही, या पे देखो एक खटका है, ये लॉक है, यानी इसके बराबर यही आता था। हाँ हाँ ठीक है, उसका पीछे देख सकते वो साइड पे 15 था। थोड़ा वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे भी 15 है देख सकते हैं। तो जब भी एक्सल निकालती तो मैं इसका टायर खोलने का बताता हूँ। और दोस्तों क्या है, इतनी महंगी गाड़ी है, आपको पता है आज के हिसाब से 2 लाख के ऊपर, 1,80,000 के ऊपर जाती है। तो इतना आसान इसका बाइक पीछे वाला पहिया खोलना, और ये देख सकते हैं एमएटी। मैंने दिमाग में सोचा था इसका थोड़ा वीडियो लेंगे, पर मेरे हिसाब से मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास ये बाइक आ गई पंचर बनाने के लिए। और पीछे का भी बिल्कुल, यानी सॉरी आगे का भी है ना दोस्तों, बिल्कुल क्या है, इसको थोड़ा ढीला करना पड़ता है, इसको ढीला करना पड़ता है। इसमें 2 बोल्ट दिए कंपनी ने, और ये बोल्ट जैसे ही खुल देंगे आप, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा ढीला करके एक्सल बाहर आ जाए, तो यहाँ पे भी एक ये आता है और ये यहाँ पे आता है, तो आप ब्रेक ड्रम है इसको निकाल सकते हैं। पर ये कोशिश ना करें घर पे खोलने की, एक मेरी राय, जब पंचर बनवाते हैं वही खोले, ये तो आपसे फिटिंग नहीं होगा। हाँ, आप अगर बाइक वाले हो तो आप सोचे बनाएंगे, नहीं तो आपसे क्या होगा, ये आपसे फिटिंग नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पीछे वाला बाइक का टायर खोल सकते हैं, कोई आसान है, और आप अगर खोलना चाहें मेरे वीडियो देख के आप खोल भी सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसका भी कभी खोलने का वीडियो बनाएंगे। अभी ये तो मेरे पास आइए, ये तो खाली 10-12 हज़ार की गाड़ी है, पर आपको बोलूँ यार, अच्छे अच्छे टायर वाले नहीं बोल देते क्योंकि इसका साला बहुत झंझट होता है। ये देख सकते हैं, ये एक बोल्ट यहाँ पे आता है, इसका एक है, ये भी खोलना पड़ता है, ये भी खोलना पड़ता है, ये भी खोलना, जो भी यानी तीनों, ये ब्रेक पट्टी है ना, ये भी खोलना पड़ता है, ये नीचे ब्रेक वाली नीचे पट्टी, यानी सब इसको खोलना पड़ता तभी इसका पहिया निकलता, और बिठाने में भी काफ़ी दिक्कत होती थी दोस्तों। तो ये इतनी सस्ती गाड़ी है, खोलने में बिल्कुल यार खुलता नहीं जल्दी, और इतनी महंगी गाड़ी आप 2 मिनट में टायर बाहर निकाल सकते हो, जैसे राजदूत का था वो इस तरह ठीक सकते। अभी मैं उसका पहिया खोल के दिखाता हूँ कैसे खोले, चल। बस ये बिल्कुल यहाँ पे आता है, ये बस खींच, बहू थोड़ी काड़ी कानी कर त्या साइड ला। हाँ, पर इसको एक जन पकड़ने वाला हो ना, बिल्कुल झुकाने वाला चाहिए, मजबूत आदमी है।
देखो बिल्कुल आसानी से निकल गए। ये तो भैया नया नया काम कर रहा है, देख सकते हैं। इससे पहली बार बुलेट का टायर खोल दिया है। इसके जो रबर आते हैं, क्योंकि इसमें कंपनी ने क्या दिया है, जो ब्रेक वाला नॉर्मल गाड़ी में आता है ना, जो ब्रेक पट्टी आती है, जो ब्रेक की डंडी आती है, इसमें दिया नहीं, क्योंकि उसमें फिटिंग कर दिया कंपनी इधर ही। तो इसमें क्या होता है, खाली पहिया निकालो, उसमें फिट कर दो और वो एक्सल दबा दो, उसमें सेटिंग कर लो, नट टाइट कर दो, हो गया। ठीक है, इसका ये जो रबर आता है ना, इसको परफेक्ट फिटिंग कर लीजिए, इसे कोई फिट कर दीजिए, बस और चल भाई, थोड़ा उसे उस साइड पे झुका लें। यार इसमें क्या होता है पता है, इसमें एक बात झंझट नहीं आती, क्योंकि इसमें ड्रम नहीं आता है, हाँ डायरेक्ट पहिया लो, उसमें अंदर बिठा लो, क्योंकि ये खाच में ही दिखा दे, ये जो आते हैं ना, ये 1 2 3 4 और इसमें 4 ये पॉइंट दिए हुए, तो ये खाच में ये पूरा फिक्स आना चाहिए। ये देख सकते हैं ना भाई, ये और ये चल लगा भाई, आप लोनरी स्पीड से, हाँ थोड़ा एक जन ऐसा मजबूत आदमी हो ना झुकाने वाला, स्पीड स्पीड टाइम पास नहीं, थोड़ा घुमा ले, टायर ऊपर उठा ले, ऊपर उखल, ये नया है, सीख रहा है, इसकी वजह से उसको टाइम लग रहा है, बस आ गया। आप बिल्कुल अब क्या कीजिए, थाम 2 मिनट, झुकाए भैया, झुका झुका झुका, उसको पकड़ के रख, अभी ये ले, इसको दो, इसको रख दे अभी, ये जो आता है ये लोहे का आता है, इसमें ये रख देने का। और दोस्तों इसमें एक बात है, और ये भी आता है, एक ध्यान में रखिए, तो ये कभी ये निकाल लाना चाहिए, आप डायरेक्ट बिठा देंगे तो आपका पहिया जाम हो जाएगा। भैया इसको ये लगा दो अभी, इसमें ये पकड़ दो उसका, बस, और ये थोड़ा टायर मांगे दो, खा लें थोड़ा सा, बस अभी इस जगह पे अभी ठोक दे इसको, धीरे धीरे, बस बस कर दे भाई सीधे, ये जो बोल्ट है अच्छी तरह से कसवा लीजिए, बस हो गया। बिल्कुल बुलेट का टायर खोलना बिल्कुल आसान है दोस्तों, इतना ईजी नहीं है। आप चाहे वीडियो देख के भी कैसे खोलते, कैसे फिटिंग करते, मैंने पंचर का वीडियो नहीं डाला, यानी पंचर कैसे खोले, पर मैंने वो जो दिखाया ब्लेड के टायर कैसे खोलना और कैसे फिट करना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने टायर वाले में जितने हैं ना उसमें ग्रुप में डालिए, और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दोस्तों में जो अपनी आवाज़ ही आती है, मैं दिखाई नहीं था, क्योंकि मेरे शूटिंग करने वाला कोई नहीं रहता और दूसरे से होती नहीं शूटिंग, तो यार मैं शूटिंग भी करता हूँ और थोड़ा वीडियो के बारे में बताऊँ। ठीक है दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश।